चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम थोड़ा सा कंडीशनल में बातें करेंगे। कैसे कंडीशनल? कि हम कभी कभी शर्त रखते हैं ना कि यदि पानी आता तो ऐसा होता, हम गीले हो जाते, छाता पानी आ जाएगा, छाता ले लो, इस प्रकार से बोलते हैं। कभी ऐसे बोलते हैं, यदि तुम आओगे तो मैं आऊँगी, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगी। यदि तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, यदि तुम जल्दी दौड़ते तो ट्रेन मिल जाती। तो इस प्रकार से हम कई बार, यदि तुमने ये किया होता तो तुम आज डॉक्टर होते, तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम आज डॉक्टर होते, तुमने तुम्हारे पास यदि तुम्हारे पास पैसा होता तो आज कार होती, यदि मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास कार होती, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये होता। इस प्रकार से बहुत कई बार हाइपोथेटिकल हो जाता है। कई बार अच्छा सूर्य निकलता तो मैं कपड़े धोती। तो इस प्रकार से कई बार हम अपनी कंडीशन रखते हैं और कंडीशन के हिसाब से भी अपन बात करना चाहते हैं, तो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जब हम किसी कंडीशन की बात करते हैं तब वो जिस प्रकार के सेंटेंस हम इफ के साथ, वेन के साथ बनाते हैं, अंटिल के साथ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना। कंडीशनल सेंटेंस यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें हम क्लॉज में बात करते हैं। तो अब ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज पहले से मैं बता दिया है, मैंने बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ क्लॉज। क्लॉज में बताती हूँ कि जब कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको क्लॉज पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्लॉज का पहला लक्षण क्या है, यानी क्या उसका कैरेक्टर है, कि सबसे पहले बात तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए और उसका मीनिंग निकलना चाहिए। कभी कुछ थोड़ा मीनिंग निकलता है, कभी पूरा मीनिंग निकल जाता है। यानी दो क्लॉज मिलकर, तीन क्लॉज मिलकर के, इस प्रकार से क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बनता है ना। यदि मैंने यहाँ पे बोला कि इफ इट क्लॉज तो इट रेन्स, यानी ये दो क्लॉज हो गए, तो ये इफ वाला क्लॉज होता है, यानी ये वाला एक पूरा का पूरा, ये इफ वाला एक क्लॉज होता है, और ये वाला इट रेन्स कहा है, ये दूसरा क्लॉज होता है ना। देखेंगे यहाँ पे कैसे, क्लॉज में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मतलब दो वर्ब और दो सेंटेंसेस है। इट मीन्स यहाँ पे दो क्लॉज है और दो आपके एक सेंटेंस है। ये वाला एक पूरा सेंटेंस है, पुलिस स्टॉप एक है, कॉमा बीच में लगा हुआ और इफ से लगा हुआ है। तो भाई फिर ये क्लॉज क्या होते हैं ना, ये क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, और ये पूरा सेंस देते भी नहीं भी देते। देखो पूरा सेंस कैसे देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा इट रेन्स, वर्षा होती है, पूरा सेंस ठीक है, होती है तो होती है, सबको पता है। लेकिन यदि मैंने ऐसा कर दिया इफ इट क्लाउड्स, तो कुछ अधूरा सा लग रहा है। इफ इट क्लाउड्स मतलब कुछ, मतलब यदि बादल आते हैं तो या तो आगे कुछ होगा या पीछे कुछ होगा। यदि तुम आओगी, छोड़ दिया, तो क्या। इट मीन्स यदि ट्रेन आती तो क्या, आगे कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स इस प्रकार से ये दो क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बनाता है, और जिसमें इफ लगा होता है, वैन लगा होता है, अंटिल लगा होता है, किसी शर्त की बात करते हैं, किसी कंडीशन की बात करते हैं, वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, है ना। ये चार प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं जीरो टाइप कंडीशनल, ठीक है, जीरो टाइप कंडीशनल। फिर है फर्स्ट कंडीशनल, फिर है सेकेंड कंडीशनल, और फिर है हमारे पास थर्ड कंडीशनल, ठीक है ना। हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। अब ये क्लॉज पहले फिर से एक बार पढ़ेंगे कि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, मीनिंग देना चाहिए, और एक या दो क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? देखेंगे अब यहाँ पे, देखेंगे एक जो क्लॉज है बेटा, ये वाला, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। देखो यहाँ पे ये तो अपने आप में फ्रीडम है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज। वैसे मैंने क्लॉज के वीडियो बना दिए हैं, अगर आप चाहो तो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हो। 11th 12th में बहुत ज्यादा क्लॉज और सेंटेंस का यूज किया जाता है ना। ये मेन क्लॉज है क्योंकि इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, और ये प्रिंस, या तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, है ना, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो कभी भी इस प्रकार से आए तो कभी घबराना नहीं। लेकिन अब दूसरा देखेंगे, इफ इट क्लाउड्स मतलब वो अधूरा सा सेंस दे रहा है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड, अगर वो किसी के पास लगता तो उसका मीनिंग पूरा निकलता, तो इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं।
वाला इफ जुड़ गया ना इसके अंदर, ये जो इफ होते हैं वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी काम करते हैं, ये सबऑर्डिनेट वर्ड होते हैं ये जो जोड़ जाते हैं इनकी वजह से ये अधूरा सेंस देते हैं, ठीक है ना। अब जब ये जिसमें कंडीशन जुड़ी, जिसमें एफ जुड़ा है, वैन जुड़ा है, अंटिल जुड़ा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज, क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्लॉज। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाले को हम रिजल्टिंग क्लॉज देते हैं। अगर कंडीशन होगी तो उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, अगर कंडीशन है तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है, उसे हम बोलते हैं रिजल्टिंग क्लॉज। और जो कंडीशन यानी इफ के साथ जुड़ा वाला है इसे हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा कंडीशनल क्लॉज हो गया और ये पूरा का पूरा अपना क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, या फिर रिजल्टिंग क्लॉज हो गया। तो हम सबसे पहले चलते हैं जीरो टाइप कंडीशनल पे। फिर से बोलूं मैं, जीरो टाइप कंडीशनल, जीरो टाइप कंडीशन है मतलब कोई ऐसी बहुत कंडीशन नहीं है, बस एक ये है कि देखो हम रोज सुबह बात करते हैं कि हम रोज सुबह क्यों उठते हैं, सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है तो दिन निकलता है, सूर्य डूबता है तो रात होती है ना। जैसे अभी वर्षा के दिन चल रहे, रेनी सीजन चल रहा है, तो इफ क्लाउड्स कम, वर्षा आते हैं, बादल आते हैं तो वर्षा होती है। हम हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हैं, यदि वर्षा होती है तो मत जाओ, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना, शर्त रख देते, कंडीशन रख देते हैं। तो जब पूरा पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ की बात चलती है, साइंटिफिकली तथ्य की बात चलती है, फैक्ट की बात चलती है, वहां पर हम क्या करेंगे, जीरो टाइप कंडीशनल का यूज करते हैं। फिर से बोलो, जैसे कि अपन ने सब्जी फ्राई करी या पानी गर्म किया तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो क्या हो गया, अप हो गया। इट मींस यदि हमने टेम्परेचर अप किया तो वो तो उबलेगा ही उबलेगा, बॉइल्स तो होगा ही होगा। तो ये आपकी कंडीशन बन गई। हिंदी में भी हम ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस को जो फैक्ट पे काम करते हैं, जो फैक्ट के आधार पर होते हैं, बिल्कुल मतलब हाइपोथेटिकल नहीं होते, कल्पना नहीं होती, वो जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, पूरी सच्चाई होती है, वहां पे ये हम जीरो टाइप कंडीशन का यूज करते हैं। देखो मैंने लिखा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, साइंटिफिक प्रूवल होते हैं, फैक्ट भी होते हैं, सच्चाई होती है ना, तो हम इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल। इसमें क्या करते हैं, दो क्लॉज होते हैं ना, दो क्लॉज में से पहला वाला क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता, काय में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता, और दूसरा वाला क्लॉज भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। फिर से बोलो, इफ के साथ वाला क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और बार वाला जो कॉमा के बाद वाला जो मेन क्लॉज होगा वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना। देखेंगे, इफ लगता है, फॉर्मूला इफ लगता है, अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस ना करें तो अपन क्या कर देंगे, इफ आ जाएगा फॉर्मूले में, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और एस और ई एस लग जाएगा, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, कॉमा आ जाएगा। कॉमा क्यों, क्योंकि सेकंड क्लॉज शुरू करने के लिए क्लॉज आना ही आना है। फिर आपके पास फिर से एक सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर से एक वर्ब आ जाएगी, इसके बाद का जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ इट क्लाउड्स, यदि बादल आते हैं, इफ इट रेन्स तो वर्षा होती है ना, तो रोज, तो ये जो कॉमा है इन दोनों क्लॉज को अलग करने का काम करता है, क्लियर। इफ शी इज टायर्ड, यदि वो थकी होती है, ऑब्वियसली जो कोई थका होता तो काम तो करेगा नहीं, ये तो सच्चाई है। इफ शी इज टायर्ड, यदि वो थकी होती है, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये थका हुआ है ना, थका हुआ, यदि वो थकी हुई है तो She does not work, वो काम नहीं करती। सच्चाई है कि भाई वो थकी होती है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, ठीक है ना। If you heat ice, यदि तुम आइस को हीट देते हो, गर्म करते हो, पाम पे रख लेते हो, it melts, वो क्या हो जाती है, melts हो जाती है। If you take out your ice cream out of the fridge, फ्रिज के बाहर निकालते हो, it melts, ये फ्रिज melt हो जाती है, क्लियर। चलिए, If she waters the plant, यदि वो पौधों में पानी डालती है, तो it grows well, कैसे होते हैं, ये अच्छे से बढ़ते हैं, दोनों तरफ आपको सिंपल दिख रहा होगा। देखो यहाँ she था, सिंगुलर था, इसलिए यहाँ s लगाया हुआ है,
यहाँ पे इट है इसलिए यहाँ एस लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एस लगाया हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे लगा दिया। क्लियर? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, इफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, यदि लाइट चले जाती है, फेल्स हो जाती है, वेंट ऑफ हो जाती है, वी यूज अ कैंडल, हम क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं, कैंडल से लाइट करते हैं, ऑब्वियसली बिना कैंडल के अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से कई सेंटेंस बनाना है, अपनी डेली रूटीन में ही कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कई ऐसे सेंटेंस आते हैं। लेकिन एक इस प्रकार से भी होता है, इफ इट रेन्स डोंट गो आउटसाइड, यदि वर्षा होती है तो बाहर मत जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ तो अपन ने क्या किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हमारा इसी में बी टाइप का हो, यानी यहाँ पे भी ऐसी कोई सच्चाई वाली बात हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला वाला क्लॉज तो एज इट इज ले लेंगे, सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस के साथ, लेकिन जो सेकेंड वाला क्लॉज होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आपको बहुत बार पढ़ा दिए, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा, जो हम आज्ञा देते हैं, कर लो इसको, डू इट, रीड इट, कम टू हियर, क्लोज द गेट, इस प्रकार से, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको पता है सबसे पहले वर्ब ली जाती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट लिया जाता है। देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, इफ इट रेन्स, देखो हम इसी में से ले लेते हैं तो आपको जल्दी समझेगा। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती, कॉमा, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, हुआ ना, बिल्कुल मत जाओ बाहर, मत जाना, ठीक है ना, डोंट गो आउटसाइड, क्लियर। इसी में से एक और ले लेते हैं, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, कॉमा लगा, इफ इट रेन्स, वर्षा होती है, टेक योर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो, टेक योर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो, ठीक है ना। चलिए अब एक और इसमें से और ले लेते हैं, ये इफ, चलो इसके साथ ले लेते हैं, ये अक्सर हम मम्मियां और घर में बच्चों के लिए बहुत यूज करते हैं, इफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, यदि इलेक्ट्रिसिटी फेल्स होती है, डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, है ना, अंधेरे में हम खेलने के लिए बच्चों को मना करते हैं, है ना, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये बी टाइप के, ये बिल्कुल इंपरेटिव सेंटेंस के साथ में काम करते हैं, क्लियर। यानी जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, सच्चाई हो कोई, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं घबराना है, दोनों तरफ प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखना है, और यहाँ पे तो और भी नहीं घबराना, डोंट गो आउटसाइड, ठीक है ना। इफ इट एग्जामिनेशन, इट इज कमिंग एग्जामिनेशन, रीड इट, इसको पढ़ लो आप, अगर एग्जामिनेशन पास में है तो आ रहे हैं तो, यानी इस प्रकार से आपको इतने ये सेंटेंस कोई भी परेशानी नहीं देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जीरो टाइप के सेंटेंस थे जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ समझते थे, समझ कर रहे हैं और एकदम फैक्ट है, साइंटिफिकल प्रूवन है, तो वो हम वहां पर जीरो टाइप में करते हैं कि दोनों जगह सिंपल सिंपल टेंस आता। लेकिन अब हम चलते हैं कंडीशनल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, रियल होते हैं, जो हमारी लाइफ से रियल होते हैं। यदि तुम आती तो मैं पढ़ाती, मैं पढ़ाऊंगी, यदि तुम आओगी तो मैं पढ़ाऊंगी, तो हम भले ही उसमें गी बोल रहे हैं लेकिन वहां पर हमें रियल कंडीशन है ना, यदि तुम आओगी तो मैं पढ़ाऊंगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी, यदि यदि तुम बाहर खेलोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे, भले ही हम उसमें गागेगी बोल रहे, यदि तुम वर्क हार्ड करते तो तुम पास हो जाओगे, तो वहां पे गागेगी बोल रहे हैं। लेकिन वहां ध्यान रखना है कि फर्स्ट कंडीशनल है, रियल तथ्य पे आधारित है, मतलब हम जो रोज बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, उसके आधार पर है, तो उसमें पहला वाला जो सेंटेंस है या पहला वाला जो क्लॉज है वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, पहला वाला जो क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, लेकिन सेकंड वाला क्लॉज तो विल के साथ में आना ही आना है। देखेंगे एग्जांपल, रियल कंडीशन पर आधारित होते हैं, इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा और सेकंड वाला क्लॉज आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना।
फ्यूचर में भी आ सकता है, कभी कभी हम मॉडल के साथ भी उसको यूज करते हैं, पर पहला वाला क्लॉज तो आपका गागेगी होने के बावजूद भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में देना है। हम अक्सर ही बोलते हैं ऐसा, यदि वो मेरे घर आती तो ही मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी, यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता, यदि तुम वर्क हार्ड करते तो तुम सक्सेस हो जाते, है ना, होते, होगे, तुम होंगे, मतलब होंगे, पक्का होंगे, यदि तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम तो सक्सेस होंगे ही होंगे, पक्का है। और फिर हम क्या बोलते हैं, यदि तुम रूम क्लीन करते हो तो ये कैसा होगा, साफ हो जाएगा, साफ होगा ना, अच्छा दिखेगा। तो इट मीन्स जहाँ पे रियल कंडीशन होती है वहां पे हम इसको यूज करेंगे। देखेंगे इफ के साथ वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब और एस और ईएस लगा रहेगा, वर्ब और एस और ईएस लगे रहेगा और ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखा रहेगा, तो यहाँ मे भी आ सकता है दूसरे क्लॉज में, विल भी आ सकता है और कैन भी आ सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। देखेंगे एक एग्जांपल, इफ यू कम, देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डरना नहीं की सेकंड फॉर्म, यदि तुम आते आई विल कम, तो मैं आऊंगी, तो मैं आती, ऐसा भी बोल देते ना, यदि तुम आते तो मैं आऊंगी, है ना, मतलब अपने अक्सर सहेलियों में दोस्तों में ऐसा था, भाई तुम आओगे तो मैं आऊंगी, तो यहाँ पे गागे की बोला है यदि तुम आओगी तो मैं आऊंगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करना है। क्लियर? चलिए, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम वर्क हार्ड करोगे, करते, हम वहां पे इंग्लिश के हिसाब से अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो करते आता है, तो यू विल पास, ऑब्वियसली जब तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम पास होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे ना, तो ये चीज ध्यान रख। इफ शी क्लीन्स रूम, यदि वो कमरा साफ करती है तो रूम विल नीट एंड क्लीन, कैसा होगा, रहेगा ना, नीट एंड क्लीन होगा रूम। और एग्जांपल थोड़े से देख लेंगे अब अपन इसमें, है कि नहीं, एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ यू स्टॉप स्मोकिंग, यदि तुम धूम्रपान बंद कर देते हो, यहाँ स्मोकिंग धूम्रपान के लिए है ना, यदि तुम धूम्रपान बंद कर देते हो, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, तुम्हारी हेल्थ क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, है ना, ऑब्वियसली अगर स्मोकिंग बंद करते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इफ यू डू दिस अगेन, यदि तुम इसको फिर से करते हो, ये कोई भी काम है, ये अगर फिर से करते हो, आई विल हिट यू, मतलब मैं तुम्हें पिटाई करूंगी, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। तो ये पहले वाले सारे के सारे क्लॉज क्या है, आपको लग रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, है ना, लेकिन ये क्या है, सिंपल फ्यूचर में है। तो दो क्लॉज मिलकर के एक और देख लेते हैं। इफ यू टच दैट वायर, यदि तुम वो वायर टच करते हो, कई बार होता है ना खुले वायर है और ये है, तो वो बोलते हैं यदि तुम वो वायर टच करते हो, यू विल गेट अ नास्टी शॉक, तुम्हें बहुत खतरा वाला, खतरनाक वाला शॉक लग सकता है ना, लगेगा, पक्का लगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहला वाला जो क्लॉज है वो हमेशा हमेशा कंडीशनल फर्स्ट में क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए और दूसरा सिंपल फ्यूचर का होना चाहिए, और ये हमेशा हमेशा सच पे आधारित होता है, तथ्य पर आधारित होता है, रियल होता है। क्लियर? तो पहला हमने क्या पढ़ा, जीरो टाइप कंडीशनल, जिसमें बिल्कुल हाई यूनिवर्सल ट्रुथ था कि यदि सूर्य निकलता तो उजेला होता। दूसरा हमने पढ़ लिया कि यदि तुम आते आओगे तो मैं आऊंगी, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि अपन ने अब यहाँ पर अपन ने बिल लगाया, तो दूसरा एक और लिख लेते हैं अपन, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड करते हो, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू मे पास, तुम पास हो सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी बोलते हैं। तो अपन ने मे लगा सकते हैं, वुड मे लगा सकते हो, विल लगा सकते हो, कैन लगा सकते हैं। अब जब हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको और समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल में हमें क्या करना रहता है, देखेंगे जरा। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल में पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल होता है, यदि मैं होता, बिल्कुल नहीं हूं मैं, यदि मैं डॉक्टर होता तो ऐसा करता, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ऐसा करता, यदि उसके पास पैसे होते तो वो कार खरीदते, यदि उसके पास पैसे होते तो वो ट्रेन से जाती, है ना, जो भी कुछ भी ऐसा बनाएंगे, यदि उसके पास पैसा होता तो वो बहुत बड़ा घर खरीदती, ठीक है, ये भी हो सकता था, यदि उसके पास पैसा होता तो वो बड़ा स्मार्ट मोबाइल ले लेती, ठीक है ना, या जो भी कुछ और ले लो, यदि उसके पास पैसा होता तो वो अच्छी कोचिंग करता,
है ना। तो जो कंडीशन नहीं है, हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, वो कुछ भी रियल नहीं है, वो काम हो चुका है और वो नहीं हुआ, तो हम वहां पे क्या करेंगे, सेकेंड टाइप कंडीशनल में ध्यान देना है अपने को, कि पहला तो देखना है कि अनरियल कंडीशन है, दूसरी क्या देखना है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, कुछ भी हुआ नहीं है, सब कुछ मतलब एक प्रकार से झूठ है, एक प्रकार से झूठ है ऐसे बोलेंगे तो भी चले। अच्छा मैंने बोला कि भाई इफ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होती तो मैं ट्रीट करती डॉक्टरों को, पेशेंट को, तो क्या मैं डॉक्टर हूँ क्या? नहीं ना, मैं तो सिर्फ एक ड्रीम देख रही हूँ। यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं अलग तरीके से देश चलाती, तो इट मीन्स कि ये क्या हूँ क्या मैं? नहीं ना, मैं तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो वो वहाँ पे इस प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस, यानी सेकेंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस हम उसको यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है जो पहला वाला जो क्लॉज होता है वो हमेशा हमेशा पास्ट में चलता है ना, हमेशा हमेशा। तो जो पहला वाला इफ के बाद वाला जो क्लॉज रहेगा वो हो जाएगा पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। हाँ, लेकिन जो सेकेंड वाला जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट के साथ में वुड काम करता है, वुड काम कर सकता है, या कुड काम कर सकता है, या माइट काम कर सकता है, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, फिर से बोल रही हूँ, जब हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, वहां पे आई शी और ही के साथ में हमेशा वर लगेगा। अक्सर हमने क्या देखा है कि हम आई के साथ क्या लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते, वॉज लगाते, शी के साथ क्या लगाते, वॉज लगाते, ही के साथ क्या लगाते, अपन वॉज लगाते। लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस बन रहे हैं और वहाँ हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो आपको वहां पे वॉज नहीं लगाना है। क्लियर? चले आगे बढ़ेंगे। ये आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना चाहिए। अब अपन एक फॉर्मूला देख लेते हैं, इफ लग कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट कर लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, देन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे। फिर यहाँ पे जो दूसरा क्लॉज हो उसमें सब्जेक्ट होगा और ये होगा वुड हो जाएगा, फिर ये कुड हो जाएगा या फिर माइट हो जाएगा, और तीनों की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, देखेंगे। भाई अब मैं नहीं हूँ, इफ आई हैड अ मनी आई वुड बाय अ कार, मेरे पास के पैसे होते तो मैं कार खरीदती, है ना। इफ यू वर देयर सो आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें वहां पढ़ाती। इफ आई वर अ साइंस टीचर आई वुड टीच यू साइंस। क्लियर? तो यहाँ पे बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, जो हुआ नहीं है उसके बारे में चलेंगे। एक एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर से बना लेती हूँ, एक एग्जाम्पल। इफ आई वर देयर यदि मैं वहां होती आई वुड टीच यू मैं तुम्हें पढ़ाती। क्लियर? इफ शी, देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना हैड, हैव सेकेंड फॉर्म, हैव की सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड होगी पास्ट फॉर्म। इफ शी हैड मनी यदि उसके पास पैसा होता, she would buy a car, वो कार खरीदती। अगर इसकी जगह पे कुड लगा देते हैं हम तो भी चलेगा, वो खरीद पाती, यानी वो एबल हो जाती ना, कार खरीदने के एबल हो जाती। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इफ ही हैड अ कार यदि उसके पास कार होती तो वो ड्राइव करता। ही अब यहाँ पे देखना है वुड लगाने, वो कर सकता था। ही कुड ड्राइव अ कार वो कार ड्राइव कर सकता था। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को सेंटेंस लगाना है। यदि you helped me यदि तुमने मेरी मदद की होती, if you helped me यदि that time, इसको और स्कोर कर लेते आगे, that time
यदि आपने मेरी हेल्प की होती उस समय आपने मेरी मदद की होती है तो आई वुड बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। आई वुड बी अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर, मैं क्या होता, एक डॉक्टर होता। ठीक है ना, ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसमें कुछ भी सच्चाई है क्या? नहीं। तो ये सेकंड टाइप वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे हम इसमें ही बनाएंगे। ठीक है ना, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। अब एक वर्षा का ले लेते हैं, अपन वर्षा पे चल रहे हैं। तो इफ इट रेन्स, देखो मैंने फिर बोला ना कि ये वाला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इफ इट रेन्स, यहाँ पे भी आपने इफ इट रेन, यदि वर्षा होती, राइट, इफ इट रेन, यदि वर्षा हुई होती, होगी या हुई तो क्या होते हैं, वी वुड स्टे होम, हमको घर पे रुकना पड़ता। वी वुड स्टे एट होम, हमें घर पर रुकना पड़ता, है ना। इट मीन्स कि वर्षा होती तो हम रुकते ना, अदरवाइज नहीं रुकते। क्लियर? तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि अब होनी चाहिए, है ना। इफ इट रेन्ड ही वुड स्टे एट होम, पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल। और हाइपोथेटिकल अपन आई विश के साथ भी बनाते हैं, काश ऐसा हुआ होता, तो वो वाला भी एक सेंटेंस में पहले बना चुकी हूँ वीडियो, अगर आपको वो वहाँ पे जाकर के देखना तो आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन ये सेंटेंस बनाने में बड़े अच्छे लगते हैं, इनके साथ कई के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तो एग्जाम्पल और मैंने आपको दिए हैं, इफ ही बिकम अ डॉक्टर, यदि वो डॉक्टर बना होता तो ही वुड ट्रीट पेशेंट, वो पेशेंट को ट्रीट करता। इफ शी केम, यदि वो आती, आई वुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगी, यदि वो आई तो मैं वहां जाऊंगी। इफ शी हैड मनी शी कुड बाय अ कार, ये इस तरह से मैंने सेंटेंस को बनाने की कोशिश करी। अब आपको लग रहा हो कि मैम ये आई के साथ वर्ब क्यों लगाया आपने, मैंने अभी आपको बताया कि आई शी ही ये जो है ये एक तो सिंगुलर है, हम इनके साथ में वॉज का यूज करते हैं, बट मैंने अभी आपको बताया कि जब हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, जब इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, तब हम इनके साथ में शी ही और आई के साथ में वर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने वर लगाया, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए अब बस आता है अपना कंडीशनल नंबर थर्ड। तो जब थर्ड नाम कंडीशन हो जाता है तो हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है कि वो भी मतलब किया होता तो एक रिग्रेट रह जाता ना इसमें, तो वो उस प्रकार का काम करता है। तो पहला वाला जो क्लॉज आता है, फिर से बोल रही हूँ, कंडीशनल नंबर थर्ड में जो आता है तो जो पहला वाला क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। फिर से बोलो, पास्ट परफेक्ट में होता है, लेकिन जो सेकेंड वाला क्लॉज होता है वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव के साथ में लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होता है। जैसे मैंने कर लेना था या फिर मैंने कुड कर सकता था, मैंने किया नहीं, यदि मेरे पास ऐसा होता, यदि मैंने कार चलाई होती तो, यदि मैं वहां गया होता तो, यदि गए नहीं ना अभी वहां पे, तो भी इस टाइप का सेंटेंस, मतलब जो काम पहले हो चुका है वहां पे भी। लेकिन सेकंड वाले क्लॉज में हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन का फिर से हम देख लेते हैं ना। तो इफ के साथ वाला क्लॉज क्या करना है अपने को, पास्ट परफेक्ट में करना। फिर से बोलो, इफ के साथ वाला क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो सेकंड क्लॉज होगा वो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा। वुड हैव लग सकता है, कुड हैव लग सकता है, ये भी लग सकता है ना। इफ लगेगा, फॉर्मूला देख लेंगे, इफ लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा और हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। सेकेंड क्लॉज में देखेंगे अपन कि सब्जेक्ट वुड हैव और कुड हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक क्लॉज है। अब हमने इफ यू हैड डन हार्ड वर्क, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, ये देखो कॉमा लगाया, यू वुड हैव सक्सेडेड, तुम सक्सेस हो चुके होते। ठीक है ना। इफ यू हैड लर्नड इंग्लिश, यदि तुमने इंग्लिश सीखी होती या तुमने इंग्लिश सीख लिखी होती
यू वुड हैव गॉट अ जॉब, तुम्हें जॉब मिल चुकी होती इफ शी हैड इनवाइटेड देम, यदि वो उन्हें इनवाइट कर चुकी होती या उसने कर लिया होता या बुला लिया होता, दे वुड हैव कम हियर, वो यहाँ आ चुके होते। इट मीन्स जब आपके पास में एक कंडीशन है कि भाई उन्होंने ऐसा किया होता तो दोनों के दोनों पास्ट में चल रहे थे, तो वहाँ पे हमको थर्ड कंडीशनल का यूज़ करना पड़ता है। पहला क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट में चलता है, दूसरा जो क्लॉज है वुड है और कुड है और के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ चलता है। एक बार हम फिर से देख लें, इफ़ यू हैड डन हार्ड वर्क, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव सक्सीडेड, तुम सक्सेस हो चुके होते। इफ यू हैड लर्न इंग्लिश, यदि तुमने इंग्लिश सीखी होती, यू वुड हैव गॉट अ जॉब, तुम्हें जॉब मिल चुकी होती। इफ शी हैड इनवाइटेड देम, यदि उसने तुम्हें उन्हें इनवाइट किया होता, दे वुड हैव कम हियर, वो यहाँ आ चुके होते। क्लियर? तो इस प्रकार से गाइज मैंने कोशिश की है कि आपके पूरे के पूरे कंडीशनल सेंटेंस को कवर करने की। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि क्या आपके कंडीशनल सेंटेंस थे। जब आपको किसी भी प्रकार की कंडीशन सच्चाई वाली बताना है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बताना है, हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना वाली बताना है, या फिर आपको कोई रिग्रेट रह जाता है तब ऐसी कंडीशन हो, तब इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। जीरो टाइप के कंडीशनल, जो केवल और केवल यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, जिसमें दोनों क्लॉज आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। एक सेकंड वाला, उसी में एक दूसरा टाइप भी होता है जिसमें पहला वाला क्लॉज तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन दूसरा वाला क्लॉज हमेशा हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में होता है ना। फिर थर्ड सेकंड वाला हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशनल दूसरे नंबर का, पहला जीरो हो गया। फर्स्ट कंडीशनल में हम देखते हैं रियल कंडीशन होती, यदि मैंने किया होता, मैं करती तो तुम आओगी, यदि मैं रोटी बनाती तो तुम खाओगे, यदि मैंने कपड़े धोए तो तुम साफ सुथरे कपड़े पहनोगे, है ना, यदि मैं ऑफिस जाता तो पैसा आएगा, ऑफिस जाते तो पैसा आता। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कंडीशनल को आपको डेली उससे लेकर के बनाना है और आप बना लेते। लेकिन वहीं पे अगर हम जब कंडीशनल सेकंड देखते हैं तो टोटली हाइपोथेटिकल चलेगा, वहां से कोई सच्चाई से लेना देना नहीं, मतलब एक प्रकार का काम हो चुका है और आपने उसको नहीं किया है। वहां पे पहला वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल में बनेगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनेगा, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनेगा। लेकिन जो सेकंड वाला जो क्लॉज रहेगा वो वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने कंडीशनल थर्ड देखा हुआ है तो पहला वाला जो क्लॉज था वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो कुड हैव के साथ वाला सेंटेंस बनेगा वो वुड हैव कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगेगा। इफ तो पहले वाले क्लॉज में आई जा रहा है, दो क्लॉज के साथ आपको ये कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि उसको और अच्छे से समझ जाए आप, है ना, ठीक है। एक्सरसाइज अपन फिर से देख लेते हैं। इफ यू ब्लैंक मनी लैंड मी सम, है ना, यानी ये बोल रहा है कि मुझे कुछ पैसे दो। अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे, मैंने पहला वाले में बताया था आपको कि जीरो टाइप कंडीशनल में क्या होता है, दूसरा वाला इंपरेटिव भी हो सकता है, होता है ना, तो लैंड मी सम क्या हुआ, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल। इफ यू हैव मनी, यदि तुम्हारे पास कुछ है, पैसा है, यदि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दो, लैंड मी सम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हैव, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का ही चलेगा ना, ये हैव क्या है, पास है, मेरे पास है तो तुम्हारे पास है पैसा तो, है ना, ठीक है। इफ ही वर्क्स हार्ड, देखो एस क्यों लगा, सिंपल प्रेजेंट है। इफ शी वर्क्स हार्ड, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, तो एक शर्त रख दी कि यदि तुम वो कठिन परिश्रम करता है तो क्या होगा, कठिन परिश्रम करता है तो पास हो ही जाएगा, तो ही विल लगा देंगे, ही विल पास, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशनल का आएगा, क्योंकि ये किसका आएगा, फर्स्ट कंडीशनल का आएगा, और ये जीरो कंडीशनल का आएगा। जीरो टाइप कंडीशनल में क्या था, सच्चाई थी बिल्कुल, है ना, तो और सच्चाई के साथ साथ क्या था कि इंपरेटिव सेंटेंस भी अपन एक दूसरे वाले में लगाते थे, क्लियर। चलो अब फर्स्ट में क्या था, पहला इसमें था तो दूसरे में हम विल लगा देते फ्यूचर में, ठीक है। तीसरा देखेंगे, इफ इट रेन्स हैवीली, यदि वर्षा बहुत ज्यादा होती है, हैवीली होती है, कैट्स एंड डॉग होती है,
क्रॉप्स क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ऑब्वियसली होगी ही होगी, सच्चाई है ये तो यहाँ पे अपना आ जाएगा विल आ जाएगा, वुड तो आएगा नहीं ना, क्योंकि अभी वुड तो हम पास्ट के लिए बातेंगे, अभी तो वर्षा होती है ना, तो इस समय अगर वर्षा ज्यादा होती है तो क्रॉप्स विल रुइन, खराब हो जाएगी, ठीक है ना। इफ ही रेन फास्ट, इफ ही रेन, हाँ रेन, इफ ही रेन फास्ट, यदि वो दौड़ा होता, देखो ये पास्ट का लिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, है ना। इफ ही रेन फास्ट, यदि वो दौड़ा होता, दौड़ा नहीं ना, मतलब काम हुआ नहीं, हाइपोथेटिकल ही रहा है, मतलब थोड़ा अनरियल सा ही लग रहा है ना। इफ ही रेन फास्ट, यदि वो दौड़ा होता, ही कैच द बस, क्या क्या कर चुका होता, तो ही वुड कैच द बस, या फिर कुड भी बोल सकते थे, कुड भी आ सकता था यहाँ, कुड कैच द बस, वो बस पकड़ सकता था, क्लियर। चलिए, इफ शी हैड टोल्ड मी, यदि अब देखो शी हैड टोल्ड, हैड टोल्ड है मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया। इफ शी हैड टोल्ड मी, यदि उसने मुझसे कहा होता, वो भी हाइपोथेटिकल सा आ गया, उसने मुझसे कहा होता, गॉन टू भोपाल, अब यहाँ देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो आपको याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल केवल एक ही जगह आएगी, जहां पे कुड हैव आएगा या वुड हैव आएगा। तो वो कहना चाह रही है कि यदि उसने मुझसे कहा होता, आई वुड हैव गॉन टू भोपाल, में भोपाल जा चुकी होती, मतलब नहीं बोला है उसने, अभी मैं यहीं पे हूँ, सो आई वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा कंडीशनल हो गया, ये थर्ड टाइप का हो गया, थर्ड कंडीशनल हो गया, ये आपका सेकेंड कंडीशनल हो गया, और ये आपका फर्स्ट कंडीशनल हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार से आप थोड़े से क्वेश्चन लेते जाएं और उसके साथ में आगे बढ़ते जाएं, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे एग्जाम्पल लो, अपन दिन भर में स्लेट ले लो, रफ कॉपी ले लो, उसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करते जाओ, डे बाय डे आपकी इंग्लिश एनहांस होती रहेगी, है ना। और जब भी मौका मिले तो इंग्लिश बोलो, ज़्यादा बोलने से क्या होता है, जब भी आप कोई एग्जाम में बैठते हो और करेक्शन करने लगते हैं, तो आपके मुंह में आपकी टंग उस तरह से ट्विस्ट हो चुकी होगी ना, वुड हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दिमाग में चल जाता ना, तो वहाँ पे भी आपका करेक्शन होता है। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप ग्रामेटिकल सीखते हो तो स्पोकन पे भी उतना ही ज़्यादा जोर दो, ताकि स्पोकन के साथ आपकी जब टंग के साथ आपकी आवाज़ निकलती है, वॉइस निकलती है, तो फिर आपको उसमें भी करेक्शन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। Thank you for watching.